बरेली नगर निगम में सरकारी बजट के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की धनराशि से स्वच्छता अभियान के तहत रिक्शा और डंफर खरीदे गए थे। सालों गुजर जाने के बाद भी नगर निगम द्वारा इनको उपयोग में नहीं लाया गया, जो आज निगम परिसर में बिना उपयोग के ही धूल फांक रहे हैं। कहीं न कहीं इस मामले में बड़े खेल की बू आने लगी है। देखिए सिटी न्यूज पर खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के नगर निगम में। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों से रुपया आया था, जिसमें भारत को स्वच्छ करने के लिए कई प्रकॉशंस दिए गए थे, यानी कि चीजें दी गई थी ताकि गंदगी ना फैले। जिसमें उन पैसों में रिक्शे खरीदे गए थे, ट्रक खरीदे गए थे ताकि वो लोगों के काम आए। और स्वच्छ अभियान के तहत हमारा जो भारत देश है, हमारा जो जिला है, हमारा जो वार्ड है, वो स्वच्छ रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाखों रुपए खर्च हुआ, उनमें कई प्रकार के सफाई अभियान की चीजें मंगाई गई थी, जिसमें से आप एक ये देख सकते हैं, ई रिक्शा, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने जो लोग जाते हैं सफाई कर्मचारी, उनको ऐसे ई रिक्शे दिए गए थे। अगर हम इन ई रिक्शा की बात करें तो ये कई सालों से ई रिक्शे ऐसे ही खड़े हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इन सब पर जंग भी आ चुकी है। एक बार कैमरामैन से कहूंगी जरूर दिखाएं। इसके साथ ही यहाँ पर अब आप ये ट्रक देख सकते हैं, ये ट्रक को खड़े हुए काफी समय हो गया है। इसके साथ ही ट्रक की अगर हम बात करें, एक ट्रक कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने समय से ये ट्रक खड़ा है। और थोड़ा सा जरा करीब आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी धूल मिट्टी का किसी प्रकार का निशान नहीं है। अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर सरकार के द्वारा स्वच्छ अभियान के तहत जो पैसा आया था, उनसे ये जो सामान लिया गया था, आज वो कूड़ा रद्दी पड़ा हुआ है। इसके साथ ही कुछ भी उजल हम आपको दिखाने वाले हैं गांधी उद्यान के, जहां पर भी एक ट्रक और ना जाने ऐसे कई जो रिक्शे हैं वो वहां पर खड़े हैं। अब देखा ये जाएगा कि आखिर ये जो सरकार की जो संपत्ति है, जो पैसा सरकार दे रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उनका लाखों का नुकसान हो रहा है या नहीं। ये कई समय से ऐसे ही खड़े हैं। इस बात पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों से नगर निगम के, कि आखिर ये जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है, जो काफी सालों से यहाँ पर खड़ी हुई है, आखिर इसका क्या फायदा है। क्योंकि आम जनता टैक्स भरती है, उस टैक्स से सरकारी अफसरों को ही तनख्वाह दी जाती है, और उस जनता को ही अगर लाभ नहीं मिलेगा और ये चीजें ऐसे ही लाखों की पड़ी पड़ी ऐसे ही जिन पर जंग आती रहेगी, आखिर वो किस काम में आएंगी। कहीं ना कहीं देखा जाए जो सरकारी पैसा है लाखों रुपया, उनका ये बिल्कुल भी ध्वस्त है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं आ रहा है। तो चलते हैं सिटी न्यूज की ओर से और हम आपको दिखाते हैं क्या है पूरी बात। नमस्कार भैया जी, सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे कि जो ई रिक्शा है नगर निगम में काफी खड़े हुए हैं, इसके साथ ही गांधी उद्यान में अगर देखे जाए काफी ई रिक्शा खड़े हुए हैं, तो जो चीजें जंग खा रही है और लाखों रुपया उसमें लगा है, तो ये चीजें कहाँ जाएंगी सर इसके बारे में? देखिए, मैं इस पे एक पत्र लिख चुका हूँ अपने नगर निगम के लिए कि ये रिक्शा पूरे बरसात रिक्शों की इन पर निकल गई, पूरी पूरे रिक्शा पूरी बरसात निकल गई और बेले पेड़ इस पर इकट्ठे हुए। अगर आपने देखा होगा ना, अभी तक कोई नगर निगम से जवाब नहीं मिला कि क्यों इससे रिक्शे खरीदे गए थे, इस पर जांच करने का आदेश दिए थे माननीय महापौर जी ने, क्या सिस्टम है, क्यों इतने खरीद लिए गए, जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी तो इतने खरीदने नहीं चाहिए थे, खराब हो रहे हैं खड़े खड़े। सर, आपने लेटर जो डाला था लगभग सितंबर में डाला था और उसकी जवाबदेह जो दिन थे वो कितने थे? अब जवाबदेही तो 8 दिन में भी जवाब दे सकते थे, क्या ऐसा सिस्टम है कि जो जवाब ही नहीं दे पाए इसको, क्यों रिक्शे खरीद लिए गए, फालतू रिक्शे क्यों खरीदे गए इतने। मैं तो खुद गांधी उद्यान पार्क में जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं ये रिक्शे कैसे खराब हो रहे हैं, पब्लिक का पैसा है ये, आप टैक्स भरते हैं लोग। अच्छा, लगभग इन रिक्शाओं की बात की जाए और इसके साथ ही कुछ ट्रक भी हैं जो वहाँ खड़े हैं, लगभग आपके अंदाजे में कितनी लागत की है? देखिए, ये सारी चीजें करोड़ों रुपए की खरीदी जाती हैं, अब जो जरूरत नहीं थी तो इतनी चीज खरीद क्यों ली गई, तो खराब करने के लिए तो नहीं है कोई भी चीज। जैसे कि आपको जवाब नहीं मिला,
तो उसको लेकर सर क्या कहना है? अब मैं दोबारा एक लेटर दोबारा लिखूंगा इस पर कि भाई जवाब क्यों नहीं है, और ये रिक्शे पहले तो हटाने को कहा था कि सुरक्षित जगह रख दिए जाए, अगर आपने खरीद ली है मान लो रिजर्व में रखते हैं लोग तो अच्छी एक रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ढकी हुई इसकी, इससे ये खराब ना हो। तो सर जो ट्रांसफर हुए काफी समय से बाबू लगे हुए हैं, तो सर अभी तक लेटर भी जारी हुआ है जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो सर अभी तक ट्रांसफर में क्या कहोगे? देखिए बाबू तो बहुत बहुत टाइम से लगे हुए हैं, कई बार लिख भी चुके हैं, कई बार बोर्ड में भी आ चुका है, फिर भी क्या अधिकारियों की मंशा होती है कि हट ही नहीं पाते हैं जल्दी। क्या कारण रहा होगा सर जो हटा नहीं पाते तमाम अधिकारी हैं यहाँ? अब कारण तो वही लोग बता पाएंगे, अब कारण के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। सर नमस्कार, बरेली सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कुछ जगहें ऐसी देखी गई हैं जहां पर जो स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा रिक्शे दिए गए थे लोगों को वो ऐसे ही खड़े हैं, नए नए रिक्शे हैं जिन पर जंग आ चुकी है, देखा जाए तो ये एक प्रकार से लाखों का नुकसान है, या किस प्रकार से इसका उपयोग होगा सर इस बारे में आपसे जानना चाहिए। जो मैम रिक्शे जो है यहाँ पे आए हुए थे नगर निगम को सप्लाई किए गए थे, उसमें चार्जिंग का थोड़ा इश्यूज था, संबंधित फर्म जो है उसके मैन पावर यहाँ पे अभी नगर निगम में हैं, वो लोग उसको सही करा रहे हैं, और जैसे जैसे ठीक होता जा रहा है उसको संबंधित डिपार्टमेंट को यूज करने के लिए दिया जा रहा है। सर चार्जिंग वाले वो ई रिक्शा है वो जस्ट अभी रिसेंटली आए हैं, इससे पहले की अगर हम बात करें रिक्शों की जो कि नगर निगम में भी काफी खड़े हुए हैं, जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी लिया जाता है वो खुद उस रिक्शे को खींच कर ले जाता है, तो सर जो बिना इलेक्ट्रॉनिक के हैं सर उन ई रिक्शों की बात? अगर ऐसे रिक्शे हैं मैडम उसको चेक करा के रिपेयर कराया जाएगा, और कुछ हमारे अभी स्टोर